महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13 को मनाया जाता है। यह पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन कल्याणक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह जैनों का सबसे प्रमुख पर्व है। 19 अप्रैल को महावीर जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कई जैन मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए। पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक एवं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। समूचे विश्व को सत्य एवं अहिंसा का संदेश देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन सकल जैन समाज की ओर से किया गया। भगवान महावीर इनके जन्मोत्सव दिवस पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बैंड बाजी के साथ गाजे बाजे से शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों जैन अनुयायी शामिल हुए थे। शोभा यात्रा पश्चात भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सकल जैन समाज अध्यक्ष पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष निर्दोष पुगलिया, श्री वर्धमान जैन श्रावक संघ अध्यक्ष योगेश कुमार भंडारी, श्री दिगम्बर जैन मंडल अध्यक्ष डॉक्टर महावीर सोइतकर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अध्यक्ष सुभाष जैन, श्री चंद्रप्रभु जैन श्वेतांबर मंदिर अध्यक्ष राज पुगलिया इन आदि मान्यवरों की मौजूदगी रही। साथ ही जैन अनुयायी बड़ी तादाद में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में गुरुओं का भी आगमन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में गुरुओं का स्वागत किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कर उपस्थितों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उपस्थित मान्यवरों के हाथों चिंता रहस्य पुस्तिका का विमोचन किया गया। श्री पुगलिया ने इस वक्त भगवान महावीर इनकी महिमा को स्पष्ट करते हुए अपने विचार रखे। तत्पश्चात गुरु के प्रवचन की शुरुआत हुई। इस दौरान भगवान महावीर इनका संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। सभी धर्म प्रेमी भजनों का प्रेमियों का और भगवान महावीर का जो उन्होंने जो नारा दिया था महावीर का जन्म भावना से आज का यह कार्यक्रम आयोजित परम पूज्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम सब तालियां के पास लिखवा सकते हैं।
आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे यहाँ पधारे। मैं समाज के इन्हीं मान्यवरों से पुनः एक बार विनती करता हूँ कि वे मैं तो गुरुवर के तेरी बताए के जीवन में पाश्चात्य शैली का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उसी के साथ इसी पाने के कारण हमने कई बार देखा है कि लोग अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं। अपना सही धन्यवाद भैया, सभी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतने परोपकारी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। आदरणीय बाबूजी से मुनिश्री हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो आवश्यक था वो कर रहे हैं। अब मैं सकल बाल गोपाल मंडली और साथी आज हमारे लिए खास करके अहिंसा प्रेमियों के लिए बड़ा खुशी का दिन, भगवान महावीर की जयंती सारे विश्व में सारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश जी और जीने लो का संदेश और अहिंसा के माध्यम से ही इस देश को आज़ादी मिली है। महात्मा गांधी जी ने भी भगवान महावीर के अहिंसा के तत्वों का पालन किया और इस देश को आज़ादी दिलाई, इसलिए आज हम आज़ाद भारतवर्ष में उपस्थित हैं। साथियों, जैन धर्म का जो संदेश है जी और जीने दो का, इस संदेश के माध्यम से जैन समाज सारे भारतवर्ष में अपना कार्य कर रहा है और आज के इस खुशी के मौके पे हमारे तीनों संत इस तपती हुई धूप में बड़ी दूर से विहार करके यहाँ पधारे हैं। मैं सकल जैन समाज की ओर से उनका स्वागत करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि मुनिवर के आशीर्वाद से इस शहर में इस जिले में अमन जैन और अहिंसा की प्रेरणा से जैन भाइयों बहनों को नहीं सारे मानव समाज को मिलेंगे। आज के इस खुशी के मौके पर हमारे सभी जैन भाइयों को बहनों को और बाल गोपाल मंडली को मैं बधाई देता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जैन समाज हमारे देश के लिए समाज के लिए और खास करके मानव समाज है या जिसमें जीव है उनकी रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेगा। यही आज के दिन मेरी ओर से और सकल जैन समाज की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नोमनी path of salvation like a sun such a Lord Mahavira resides always in my eyes Namo Harihantanam Namo Sitanam Namo Hari तरना है हमें समझना डॉक्टर साहब, भान तरना है हमें अपनी भगवत शक्ति, क्योंकि भक्ति ही होती है एक श्रेष्ठ युक्ति, क्योंकि भक्ति ही होती है एक श्रेष्ठ युक्ति जो मात्र नहीं दिलाती संसार की भुक्ति, अपितु दिलाती है इस संसार से भी मुक्ति, अपितु दिलाती है इस संसार से भी मुक्ति।
तो हम उस क्यों आए हैं पुगलिया जी? आप पूरे इतने धूप में पूरी समाज यहाँ क्यों इकट्ठी हुई है? क्योंकि वर्धमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के हम जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। आज तक हमने कई बार उन भगवान महावीर स्वामी के घटनाओं को सुना होगा। मां लोग यही कहते हैं, पर आज हम किसी घटना को सुनने के लिए नहीं आए, समझना बात को। लोगों ने पूछा, अरे तो उन घटनाओं को नहीं समझना हमें? अरे कोई छोटी सी घटना सुना दी तो महावीर स्वामी को समझे ऐसा होगा क्या? उनके अखंड जीवन को समझना है तो छोटी छोटी घटनाओं बताकर घटनाओं का कथानक बता। दूसरा और शाम को तीसरा जुलूस निकलता है, पर आप सुबह से शाम तक एक धारा में बहते हो, इससे एक और अच्छी बात क्या हो सकती है? एक धारा के एक सूत्र में आपने सब समाज को पिरो के रखा है। यही आशीष आप सभी के लिए, ऐसा ही इस साल नहीं प्रति समय। अरे आप बचो नहीं बचो, बुरा नहीं मानना, नहीं तो कहो कि महाराज जी कह रहे कि हम जाना है। अरे जो जो यहाँ आया उसे जाना ही पड़ेगा, पर जो भी अगले जिसको भी आप स्थापित कर जाओगे उसे यही समझा के जाना कि बेटा मैंने जैसे एक सूत्र में पूरे समाज के पिरो को रखा था, ऐसे ही तुम भी पूरे समाज को एक ही सूत्र में पिरो के रखना। क्योंकि आज हमारे पास निधि नहीं है, क्या भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर हमारे पास है? नहीं है, पर उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, देखना एक निधि होती है और प्रतिनिधि होती है, जो हमारे गुरु है वह कौन है? उस निधि की प्रतिनिधि है। इस साल एक प्रतिनिधि को ले आए, अगले साल और किसी प्रतिनिधि को ले आओगे तो नियम से